अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। आए दिन विवादों में रहने वाले मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के गेट के बाहर आज दिन दहाड़े कार सवार हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर छात्र को गोली मार दी। घायल छात्र विश्वास उर्फ विशु बीएड का छात्र है। हमले की वजह अभी पता नहीं चल सकी है। फायरिंग की सूचना पर मेडिकल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। घायल छात्र शिक्षक का बेटा है। बताया जा रहा है कि आज वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय किसी काम से गया था। छात्र जैसे ही विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो वहां पर पहले से ही होंडा सिटी और बीट कार में सवार हमलावर युवक तैयार थे। छात्र को देखते ही हमलावरों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने ऊपर फायरिंग होती देख छात्र जान बचाने के लिए भागने लगा। दिन दहाड़े गोलियां चलती देख लोग इधर उधर भागने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर विश्वविद्यालय के गार्ड भी मुख्य द्वार की ओर भागे, लेकिन इसी बीच हमलावर जिस कार में आए थे उसमें सवार होकर भाग गए। फायरिंग में एक गोली छात्र को छूकर निकल गई। वहीं उसे तुरंत आनंद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने विश्वविद्यालय के गार्ड से घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल छात्र से पूछताछ कर मामले की पड़ताल कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या कहना है घायल के परिजनों का और CO हरिमोहन का। और ये स्टेडियम जाने की बात कर रहे थे, तभी वहाँ कुछ लोग आए कार लेकर, तीन कार आई वहाँ पे और आके बाइक की चाबी निकाल ली। चाबी निकालते ही उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी। जैसी हाथापाई उन्हें हल्की लगी उन्होंने रिगार्डर के पीछे गोली मार दी। कौन लोग थे? कौन पहचान में गई पुरानी किसी कोई पुरानी जान लगता। क्या नाम भैया का? विशु शिकार। ये कोई प्लेयर है? हाँ जी हाँ, ये जो लोहों का गोला चिपका है। यूनिवर्सिटी के अंदर कोई घटना नहीं हुई है, रोड पे घटना हुई है, सामने की बात है, पास की। एक व्यक्ति को गोली लगी है जो कि आनंद हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है। क्या कंडीशन है उसकी? कंडीशन तो डॉक्टर बताएंगे, वैसे बोल रहा है इलाज चल रहा है। कुछ पता चला किसने मारी गोली? अभी कोई तहरीर उनकी नहीं आई है, तहरीर आने के बाद हम लोग बता पाएंगे इस बारे में। क्या ये स्टूडेंट था लड़का? स्टूडेंट बताया जा रहा, लेकिन अभी उसको चेक किया जा रहा कि स्टूडेंट था कि नहीं था। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv।